पे आपको भर भर के इंडियन स्ट्रीट फूड मिलेगा। आप यहाँ पे आते हैं तो खाली इंडियन स्नैक्स ही नहीं है कि जो आपको मिलेगा। तो आपका फेवरेट फूड चाहू चुका क्या है? छोले भटूरे। इतना कुछ मिस करते थे लेकिन अभी तो यहाँ टेस्ट ऑफ फूड जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ खुद बनाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग टुडे। तो आज हम जा रहे हैं एक इंडियन स्नैक शॉप पे। जब आप बाहर रहते हो तो आपका मन तरस जाता है जो टिपिकल स्ट्रीट फूड है वो खाने को, जैसे कि टिक्की हो गई या फिर छोले समोसे हो गए या फिर गोलगप्पे हो गए या रबड़ी हो गई, जलेबी हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ब्रेड पकौड़े, वड़ा पाव। और इवन यहाँ पे ही एक शॉप है जो इंडियन में टिपिकल जैसे कॉर्नर शॉप्स होती हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इतना कुछ राजीव ने बोला, मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, क्योंकि जब आप खुद बना के खाते हो उसका टेस्ट क्या बोलेंगे, अच्छा लगता है खुद को, लेकिन एक होता है बना बनाया। आप जाओ और आपको डला हुआ खाना है, आप जस्ट ऑर्डर करो और फूड इज देयर। अदरवाइज जब आप प्रिपेयर करते हो, आप बॉयल करोगे पोटैटो, ये बनाओगे वो बनाओगे, आपका खाने का मन है अभी तो आपके प्लेयर मतलब अभी के अभी आप तो नहीं मिलेगा। अगर आप बनाना चाहते हो तो बनाने में तो टाइम लगता है। तो आज बना बनाया खाना खाते हैं, वो भी इंडियन स्नैक्स। और आज वीकेंड है तो ऑलरेडी हमने थोड़ा अपना पेट खाली करके रखा है, तो चलिए आज का ये खाऊ पीऊ व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आप नेदरलैंड में अगर हैं तो आप जानते हैं कि LGBT+ कम्युनिटी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। साथ में ही मेरे एक प्राइड फोटोज करके एक पूरी गैलरी लगाई हुई है जहाँ पे एक कॉन्टेस्ट होता है, आप अक्रॉस द वर्ल्ड से फोटो भेज सकते हैं। तो उसी को फ्री में देखने के लिए आपने बहुत सारे जो सेलेक्टेड फोटोज हैं ये पीछे मेरे लाइन से लगी हैं ये सारी फोटो। तो दोस्तों पहुँच गए हम उस शॉप पे जहाँ पे आपको भर भर के इंडियन स्ट्रीट फूड मिलेगा, इंडियन स्नैक भी मिलेगा, समोसा चाट, वड़ा पाव और दुनिया भर की चीज़ें, और कभी कभी छुट्टी वाले दिन यहाँ पे छोले पूड़ी भी मिलता है। तो शॉप पे हम पहुँच चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर किए हुए हैं और आज एक्चुअली वीकेंड है और जनरल भी इस शॉप पे काफ़ी भीड़ रहती है हमेशा ही। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि इंडियन लोग भी यहाँ पे खाते हैं, बाकी जो कंट्रीज़ के क्या बोलते हैं, बाकी कंट्रीज़ के लोग भी हैं जो हमारे इंडियन फूड को पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। सो आज का ये अपना वही, मैं आज के व्लॉग को मैंने ऑलरेडी नाम दिया खाऊ पीऊ व्लॉग। तो ये स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट दी टुडेज़ व्लॉग। ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, एपेटाइजर्स है, समोसा चाट, दुनिया भर की चीज़ें, आप जो भी स्ट्रीट फूड आप सोच सकते हैं आराम से यहाँ पे मिलता है, वेज नॉन वेज दोनों। आप अगर दूर रहते हैं, आफ्टर ऑफिस आपको आना है, बहुत सारी शॉप्स हैं या बहुत सारे स्नैक्स जो बार हैं वो बंद हो जाते हैं 5 o'clock, 6 o'clock, बट आफ्टर 6 भी अगर आपका बाहर तफरी करने का मन है और कुछ खाने का भी मन है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इट इज़ ओपन टिल 8 एवरी डे एंड सैटरडे संडे इंक्लूडेड। सो दैट्स दी मेजर थिंग आई थिंक USP, क्योंकि आप वर्किंग डे में भी आ सकते हो, आप घूमते घूमते आओ और आप छोले समोसे और जो भी आपको खाना है वो आप खा के जा सकते हो। वड़ा पाव, हलवा पूरी, समोसा। आप यहाँ पे आते हो तो खाली इंडियन स्नैक्स ही नहीं है कि जो आपको मिलेगा, मैक्सिकन जो रैप्स हैं या फिर डच रैप्स हैं, उसके अलावा डच छोटे छोटे स्नैक्स भी जो हैं यहाँ पे मिलते हैं। आपको खाना है तो आप इंडियन स्नैक्स खा सकते हो, और अगर आपको जस्ट फ्राइज खाना है विद मेयो, फ्राइज भी अवेलेबल हैं। और अगर आपको, आइए मेरे साथ, अपार्ट फ्रॉम दैट चिकन टिक्का, चीज़ बर्गर, चीज़, दिस इज़ चिकन बर्गर, किप कॉर्न, सो दीज आर मैनी काइंड ऑफ स्नैक्स अवेलेबल ऑन सिंगल शॉप। हम लोगों ने अभी तक फूड ऑर्डर नहीं किया है तो वो फूड ऑर्डर करेंगे हम। कुछ लोगों से पूछ लेते हैं जो इतने टाइम से यहाँ पे फूड खा रहे हैं, कैसा वहाँ पे यहाँ पे टेस्ट है। अभी एक ने, एक सुमन जी से हमारी बात हुई थी जिन्होंने आपको बताया वड़ा पाव के बारे में। ये हमें नेक्स्ट मिले हैं, आपका नाम क्या है? प्रियंका इनका नाम है। तो आपका फेवरेट फूड ताहू चौका क्या है? छोले भटूरे। मेरे खुद के मुँह में पानी आ रहा है क्योंकि छोले भटूरे खुद बनाओगे तो बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे आओ और ऑर्डर करो। Hulwa is also nice. So this is the new thing which we came to know. Yeah, and they will give you in a platter, like okay. Chole bhature, halwa, mm-hmm. And that's really very, very yummy. How long have you been having food here? 2 years. Pani puri have you tried ever? No. ओके, तो वो समर में रहती है, वो समर में स्टार्ट होगी, उसके लिए थोड़ा समर का वेट करना पड़ेगा। और ठंड में तो एक्चुअली पानी पूरी उतनी अच्छी भी नहीं लगती, बट देन ऑल्सो मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
पानी पूरी। सो वी हैव मेट अनदर वंडरफुल मैन, तो ये बताएंगे यहाँ पे आप एक्चुअली खाते क्या हैं। ऑफ कोर्स एज एन इंडियन आप काफी कुछ मिस करते हैं यहाँ पे खाने के लिए, तो बताइए सर आप यहाँ पे जनरली क्या प्रेफर करते हैं। यहाँ तो हम 20 साल से हैं, ओके, अरे वाह, तो इतना कुछ मिस करते हैं, लेकिन अभी तो यहाँ ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ तो बहुत बार आते हैं हम, जैसे शॉपिंग के लिए यहाँ आते हैं, तो हम ये गांव में तो रहते नहीं है, यूनिवर्सल में रहते हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर है। अच्छा, लेकिन आते हैं यहाँ, रेस्टोरेंट्स है काफी, काफी इंडियन कम्युनिटी है। अच्छा, 2,500 फैमिलीज है। ओके, हाँ आप ज्यादा जानते होंगे कि आप इतने साल से इन एंड अराउंड घूम रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप काफी जानते होंगे। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दूर हम तो दिन है जाते थे इवन खाने के लिए, अगर आपको कुछ ही देखना है कि हाँ। साल भर में एक बार या दो बार, कितनी बार जाओगे आप एग्जैक्टली? हाँ, और अभी तो हम एवरी वीक, एवरी वीकेंड पे जब भी मन किया आ सकते हैं आराम से, जल्दी पीने का मन किया तो आ तो भी आ सकते हैं। काफी कुछ कम्युनिटी बहुत बड़ी है, अलग अलग राज्य से हमारा, हम महाराष्ट्र मंडल हम हमारा है यहाँ, तो काफी बड़ा हम गणपति की बहुत फेस्टिवल करते हैं, दिवाली बड़ी तरह से हम मनाते हैं। तो फिर तो आप सर्टेनली वड़ा पाव को जरूर मिस करते हो? बहुत मिस करते, तो यहाँ तो आए अभी तो खाएंगे। जैसे अपने इंडिया में हम टपरी का मजा लेते हैं या फिर चाय के खोखे का मजा लेते हैं, आप कॉर्नर शॉप पे जाके मजा ले सकते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे वो मजा आता है। तो रिव्यूज बहुत हो गए सभी के, आप दो पेट में बहुत भूख लग गई है, पैदल चूल्हा कूद रहे हैं, तो हम भी अपना ऑर्डर करते हैं और हमने ऑलरेडी भी यहाँ पे खाया है, तो आज फिर से खाते हैं और आपको उसका रिव्यू देते हैं। तो चले चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हम ऑर्डर करने वाले हैं। हम ऑर्डर करने वाले हैं तीन चीज़ें, फर्स्ट है समोसा जो कि बहुत फेमस है, और उसके बाद ब्रेड पकौड़ा, और तीसरा अपना महाराष्ट्र का फेमस है वड़ा पाव, तीनों और साथ में चाय। और साथ में चाय। तो ये आ चुका है हमारा ऑर्डर, और अभी आपको उसका क्लोज लुक दिखाते हैं टेबल पे जाके। तो सबसे पहले क्या खाया जाए बताइए, आप क्या अकॉर्डिंग? मैं खाना चाहती हूँ सबसे पहले ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा जो है कट करके पीसेस में दिया गया है, ये देखिए है तो ट्रायंगल ही शेप में, और ये जाएगा अभी मेरे में। कैसा है? अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है, चटपटा एक्चुअली आई वुड से, और चटपटा आपको पता है लड़कियों को कितना पसंद होता है। और ये अब जा रहा है गर्मा गर्म वड़ा, सॉरी गर्मा गर्म क्या है, ब्रेड पकौड़ा, और अब ये गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा। हॉट, क्रिस्पी और क्रंची एंड स्पाइसी, गुड। तो देखिए अब बारी आती है समोसे की। समोसे में अगर मैं कहूँ तो जो मेरा सबसे फेवरेट समोसा है वो हमारे शहर में एक मोटा हलवाई है। हलवाई का नाम ही मोटा है, आई थिंक वो शॉप का नाम ही नहीं पता, लेकिन उस पर समोसे और उस पर इमरती बहुत ही फेमस है। जब भी मैं जाऊँगा घर तो एक ज़रूर व्लॉग उस पर कवर करूँगा मैं। तो अभी बारी है यहाँ के इंडियन समोसे की, नेदरलैंड। अरे अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। फिलिंग में आप देखोगे ना, इंडियन फिलिंग में देखोगे ना, आराम से धनिया है, आलू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ऑफ कोर्स ये खा के देखता हूँ। वाह, प्रॉपर चटनी का टेस्ट आ रहा है इसमें आलू का। अब बारी आ गई है महाराष्ट्रियन फेवरेट डिश की, वड़ा पाव। ऑफ कोर्स ठंड इतनी हो रही है कि हाथ कांप रहे हैं। और ये देखिए इसके अंदर एक मुझे सरप्राइज मिला है। सरप्राइज में तो मिर्ची, माय फेवरेट। और ये स्पेशलिटी, अगर आप कहीं और वड़ा पाव खाते हैं तो आपको मिर्ची नहीं मिलेगी, लेकिन आप महाराष्ट्रीयन वड़ा पाव खाते हैं तो आपको ये साथ में मिर्ची जरूर लगेगी। वड़ा पाव का बाइट, तो इसके साथ ऐसी खानी होती है मिर्ची। एक बंदा खाता है ये वड़ा पाव और दूसरा खाता है मिर्ची। नहीं ऐसा नहीं होता, आई एम जस्ट किडिंग। वाह, मज़ा ही आ गया, जैसे कहते हैं ना लिटरली। सही में मतलब तीन तीन स्नैक्स खा गए, एक तरफ समोसा है, आग लग रही है, और खा लो फिर। यार मज़ा आ गया लिटरली एकदम। और अगर चाय की बात की जाए तो मस्त आराम से एकदम ज़बरदस्त चाय है, जो आप टिपिकल घर पे चाय बनाते हो ना, एग्जैक्टली वही चाय है। मिर्ची खा के ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग खुल चुका है पूरा, एनर्जी आ जाती है उससे, थोड़ी कैफीन की तरह काम करती है।
तो देखिए काफ़ी लोगों से हमने रिव्यू लिया था, खाने का सब ने तारीफ़ की, कुछ लोग ऐसे जो यहाँ पे काफ़ी सालों से आ रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं जो एक्चुअली शॉप चलाते हैं उनसे। तो सर बताइए आप कैसे हैं और कैसा चल रहा है यहाँ पे? मैं ठीक सर, आप बताइए आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है सर। कैसा है आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे, क्या क्या सर्व करते हैं, क्या क्या मिलता है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और एक्चुअली इट्स माय अंकल शॉप, ही वाज रन लाइक 22 इयर्स अगो। ओके। या इट्स एक्चुअली माय फैमिली बिजनेस, सो नाउ मी एंड माय कजन रन द शॉप, एंजॉय द फूड एंड द एनवायरनमेंट of the like center. Exactly. Yes. तो basically आप अगर मैं कहूँ तो ये second generation है जो ये run कर रहे हैं। जी अंकल तो अभी ये हैं और इनके कजन दोनों मिलकर run कर रहे हैं। हमारा ये मेहनत, असल मेहनत जो है वो उनकी है। हाँ। और उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन जो लेगेसी बना के रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसा नहीं है, ऐसी है। हाँ। और हम लोगों ने उसी को सबको मेंटेन करके रखा हुआ है, टेस्ट मतलब हर हाँ चीज। के लिए आपने सही बोला, छोले समोसे यहाँ पे काफी अच्छे हैं, वड़ा पाव इनफैक्ट मैंने खाया है वो भी काफी अच्छा है। तो इंडियन में जनरली लोग क्या स्नैक प्रेफर करते हैं यहाँ पे खाना? हमारी जो कम्युनिटी है लोग समोसा, समोसा चाट, वड़ा पाव, रोल्स हैं, चिकन टिक्का रोल है, चिकन काठी रोल है, वेज रोल है, पनीर टिक्का रोल है, कबाब रोल है, शवारमा रोल है, कबाब काठी रोल है, फिर उसके बाद पकोड़े आ जाते हैं, ओनियन पकोड़ा है, पनीर पकोड़ा है, ब्रेड पकोड़ा है, चिकन पकोड़ा है, मिर्ची पकोड़ा है। आपको सारा वही इन्वायरमेंट मिलेगा जो हमारे अपने कंट्रीज में, अपने जो आपको इंडियन और पाकिस्तानी जो स्ट्रीट फूड आपको जो मिलेगा टिपिकल, यानी कॉर्नर शॉप पे चाय भी है और जो चाय ऑफ कोर्स, हाँ, जो आपको कहीं नहीं मिलती यहाँ पे, आप डिप की चाय पी के बोर हो जाते हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश रेडीमेड चाय मिलती है, आप सीधा आराम से उसको पी सकते हैं। हमारे पास बाकी लंच के लिए, डिनर के लिए मील्स भी होते हैं, उसमें वेज नॉन वेज लाइक बिरयानी, फिर राजमा राइस, दाल राइस, मिक्स वेज, आलू पालक, पालक पनीर, ये भी आइटम्स हैं सारी। फिर उसके बाद सैटरडे संडे हमारा मोस्ट फेमस जो है वो हलवा पूड़ी, छोले भटूरे, पूड़ी भाजी, वो सिर्फ हम सैटरडे संडे सेल करते हैं। और यहाँ के टिपिकल लोग हैं वो क्या खाने आते हैं, यानी वो क्या डिमांड करते हैं? बेसिकली हम लोगों की कम्युनिटी यहाँ पे काफ़ी है, इंडियंस की, पाकिस्तानी की, फिर इंडियंस के साथ हमारी जो कम्युनिटी है उसमें डच लोग काफ़ी ऑफिसेज में काम करते हैं, काफ़ी हमारी जो पब्लिक है वो डच लोगों को लेकर आई है उन चीज़ों, उनको पता लगा है कि हमारे स्नैक्स क्या हैं, इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें। अब काफ़ी हद तक डच पीपल्स भी समोसा, समोसा चाट इस चीज़ को लाइक करते हैं, ट्राई करते हैं और आते हैं, और हलवा पूड़ी, इवन हलवा पूड़ी भी डिमांड करते हैं। ये लोग इन मतलब जो हमारा स्ट्रीट फूड का कॉन्सेप्ट है उसी को अब लाइक करना शुरू हो गया, लोगों को पता लग गया है समोसा वगैरह, लोगों का सिर्फ जो एक कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का जो हम लोग दे रहे हैं और टेस्ट ऑफ फूड जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ खुद बनाते हैं और फ्रेश सेल करते हैं। हमारे पास आए, स्ट्रीट फूड का मज़ा लें, उस इधर के एनवायरनमेंट को और फूड का स्पेशली क्या कहते हैं उसको टेस्ट करें, उसका एंजॉय करें फैमिली के साथ, और प्लीज़ फीडबैक हमारा दें, हम इसको मोर इम्प्रूव करते रहेंगे। ये थे ताहूर फास्ट फूड कॉर्नर से, तो आपको ज़रूर मौका मिले, जैसे ही मौका मिले ज़रूर ही आइए, चाय का मज़ा लीजिए यहाँ पे और गरम गरम स्नैक्स का मज़ा लीजिए। माय नेम इज एडम, आई एम फ्रॉम द नेदरलैंड्स, आई एम half Surinam, half Hindustan, half Indian. My lievelingseten in het Indiaans is butter chicken. Ja, je kan heel veel Indiaans eten, kan je eten. En ik vind het wel lekker om te eten, Indiaans eten. Het is best wel lekker en je hebt veel verschillende stijlen van eten. En de Indiaanse stijl vind ik wel lekker. तो दोस्तों ये था आज का मस्त व्लॉग, खा के एकदम जबरदस्त पेट भर गया। ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कितना खा रहे हैं, लेकिन स्वाद के चक्कर में आप खाते जाओ ये हाल है। और मज़ा जब आता है जब आपको मिले ना, यानी आप लिटरली तरस जाते हो ये सब चीज़ें खाने को, और आपको मिले तो ऑफ कोर्स आप अपनी भूख से ज़्यादा ही खाते हो। तो ये था आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया हो। और एक पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको छोले भटूरे खाने हैं तो वो अवेलेबल रहते हैं सैटरडे और संडे को मोस्टली, अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी स्नैक्स अवेलेबल एट इन दी वर्किंग डेज, तो आप आ सकते हैं। हमारा पेट तो भर चुका है, अभी उसको डाइजेस्ट करने में भी टाइम लगेगा क्योंकि ये सब आइटम्स जो हैं फ्राइड रहते हैं और आपका
पैलेट तो खुश हो जाता है, बट बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं उसको पचाने के लिए, तो हम उसको पचाते हैं. टिल नेक्स्ट व्लॉग, आप जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्जॉय करिए जो भी आप कर रहे हैं. सो होप टू सी यू सून नेक्स्ट वीक इन द नेक्स्ट व्लॉग. अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करें, और अगर चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. तो मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में. सी यू ऑल सून. टेक केयर. बाय बाय. नमस्कार.